तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जमाल गेमिंग। मैं आपको बताऊंगा केबीके के बारे में या फिर किंगडम क्लैश जिसको बोलते हैं उसके बारे में, जो कि हमारे न्यू फ्रेंड्स जो हैं उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जहां तक मैं बताऊंगा किंगडम क्लैश जो होता है ये मंथली या वीकली या फिर कभी भी आता है, सैटरडे या संडे कभी भी आप खेल सकते हो इसको। इसमें तीन तरह के होते हैं दोस्तों, किंगडम क्लैश, ग्लाइड वार, स्लो वार, तो तीन टाइप के हैं। आप इसमें क्या, मैं सबसे पहले इसका बता देता हूँ किंगडम क्लैश क्या क्या है इसमें। तो आप इसमें किसी भी किंगडम में क्या है, रैंडमली रिलोकेटर या फिर रिलोकेटर यूज़ करके किसी भी किंगडम में जा सकते हैं। और किसी भी किंगडम मतलब जो दिया गया है, जैसे 140 दिया हुआ है या फिर 140 दिया है, या फिर 147 या 142, ये चारों किंगडम के बीच में चल रहा है केबीके। तो आप इसमें से किसी भी किंगडम में जाके और पॉइंट मतलब ले सकते हो अपने ग्लाइड के लिए, अपने किंगडम के लिए। तो गाइस इसमें दिया गया ओकुपाई वंडर्स, तो ऑन ए वंडर फॉर 1 मिनट इसमें 200,000 पॉइंट्स आपको मिलता है 1 मिनट लगाकर जो आप कैप्चर करके रखते हो तो। और ऑन ए फोर्ट फॉर 1 मिनट तो आपको इसमें होगा कि 40,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी ऊपर लेवल के प्लेयर ही कर पाते हैं था, क्योंकि जिसके पास कम माइंड है वो फोर्ट पे या फिर बेस पे अटैक कर नहीं पाएगा तो इसमें इतना पॉइंट। तो इधर आप दूसरा दिया गया है जो सोल्जर किंग करने का तरीका है। इसमें क्या है कि जो दूसरे किंगडम है, रिवाइवल किंगडम है, उसके आप क्या करना है कि सोल्जर को डिस्ट्रॉय करना है, उनके ट्रैप्स को तोड़ना है, उनके सोल्जर को लेवल 1 लेवल 2 जो भी है उनको किल करना है। आप किल जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेगा। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद आप दूसरा तीसरा तरीका है पॉइंट कलेक्ट करने का कि आप मॉन्स्टर को हंट करें, रिवाइवल किंगडम के जो मॉन्स्टर है उनको हंट करके लेवल 1 का हंट करोगे तो 1000 पॉइंट मिलेगा, लेवल 2 का हंट करोगे तो 6000 पॉइंट्स मिलेगा, इस तरह लेवल 3 का हंट करोगे तो 25,000 पॉइंट्स मिलेगा लेवल 4 को। तो जो लो लेवल का है वो लेवल 1 या लेवल 2 के प्लेयर मॉन्स्टर को मार सकते हैं ज़्यादातर, या फिर आप सोल्जर को मार सकते हो तो उससे आप पॉइंट जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि 1 डे चलने वाला टाइम है। तो आप जितना जल्दी पॉइंट्स गैदर कर लोगे अपने ग्लाइड के लिए, अपने किंगडम के लिए, तो बेहतर रहेगा, सबसे बेस्ट है। और चौथा तरीका जो है हमारे पास है रिसोर्स गैदर करके, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आप रिसोर्स गैदर करके पॉइंट इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि 1000 फूड अगर जो इकट्ठा करते हो तो 120 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फूड इकट्ठा करना पड़ेगा आपको जो भी हो। यहाँ पे गोल्ड अगर जो इकट्ठा करते हो 1000 तो 330 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। तो इस तरह से आप पॉइंट कलेक्ट करके और खेल सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लाइड वार। ग्लाइड वार मतलब होता है गाइस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है वंडर्स का और ये सारे सब बता चुका हूँ आप लोगों को। तो नेक्स्ट है जो कि ग्लाइड वार। ग्लाइड वार में क्या है कि दोस्तों आप के जो ग्लाइड में मेंबर्स हैं वो सारे मिल के एक साथ में और जो पॉइंट कलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे शो करता है ग्लाइड वार में। तो ग्लाइड वार का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसमें आपको काफ़ी सारे गिफ्ट मिलेंगे और जो लेवल 1 फेस 1 आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे कुछ रिवार्ड मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे सेकेंड फेस अगर जो कंप्लीट करते हो कुछ रिवार्ड, थर्ड में अगर जो कुछ करते हो तो रिवार्ड मिलेगा। तो लगभग सभी ग्लाइडों का लगभग कंप्लीट हो ही जाता है और जो आप मेहनत कर रहे हो अपने तरफ से तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये। तो उसके बाद नेक्स्ट है, और इसमें क्या एक चीज़ और है, और जो आप टॉप स्कोरिंग करते हो तो आप लोगों को 22,100 जो जंप्स मिलेगा उसका स्पीड अप में मिलेगा, या फिर गोल्ड है, फिर कुछ ज्वेल चीज़ है जो लेजेंडरी आइटम्स भी है यहाँ पे, ये भी मिल जाएगा आप लोगों को। और जो ये कंप्लीट करते हो तो और टॉप रैंकिंग आते हो, टॉप 2 रैंकिंग जो आएगा उसको देखो गाइस 1300 जंप्स मिल रहा है और स्पीड अप भी है साथ में। आप लेवल 3 आते रैंक 3 आते हो तभी भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेवल 4 to 10 जो आता है उसके लिए भी कुछ ना कुछ रखा गया है यहाँ पे। 11 to 30 जो आ रहा है उसके लिए भी कुछ कुछ रखा गया है। तो काफ़ी सारे प्राइजेस है गाइस, तो आप इसको अपना टास्क कंप्लीट कीजिए उसके बाद से आप इसको ले सकते हैं। और जो आपका रैंकिंग अच्छा आया तो आप इससे भी कुछ प्राइज मिल सकता है। और तीसरा गाइस यहाँ पे
सोलो वार में गाइस आपने कुछ नहीं करना, आपको तो कम से कम अपना सोलो तो बिल्कुल ही कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको ये जो प्राइस है ये सारे मिल जाए, ताकि आपको ग्रोथ करने में काफ़ी आसानी होगा और जल्दी से जल्दी आप ग्रोथ कर पाओगे। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस थोड़ा टाइम देकर और अपना जो भी है सोलो, कुछ नहीं आप जिस ग्लाइड में उसके लिए आप अपना सोलो इवेंट प्रॉपरली प्लीज़ कंप्लीट कर लें, तो मतलब बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि दूसरे किंगडम में किस तरह से जाते हैं। यहाँ पे गाइस दिखाया गया है कि एरो मार्क दिया हुआ है, तो ये जो एरो मार्क होता है इसके मतलब है कि, और जो 2x दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आप इस किंगडम में जाके और अटैक करोगे या फिर पॉइंट्स लोगे तो आपको 2x बोनस पॉइंट मिलेगा। और इसका मतलब है गाइस कि दूसरे किंगडम ने आपके किंगडम के ऊपर में अटैक किया हुआ है तो उनको अभी बोनस पॉइंट मिल रहा होगा। तो इस तरह से रिवर्स सर्कल जो है प्रोसीजर है चलते रहेगा जब तक KVK ख़त्म नहीं होता है। अभी टाइम दिखा रहा है 22 घंटे और बचे हुए हैं, तो काफ़ी टाइम है अभी, तो आप अगर जो शुरू कर दिए होंगे पॉइंट्स कलेक्ट करना तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आप जल्दी से जल्दी पॉइंट कलेक्ट करके और इसमें वो कर सकते हैं। सो गाइस मैं भी दिखा देता हूँ अभी आपको 140 में गाइस यहाँ पर अगर जो बेस पे आप अटैक करते हो, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, तो बेस पे अटैक करोगे आपको 200,000 पॉइंट्स मिल जाएगा, या फिर फोर्ट पे आप अटैक करते हो तो फोर्ट यहाँ पे आएगा, ये जैसे फोर्ट हो गया तो इस पे अटैक करोगे तो, अभी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ अटैक हुआ है या फिर कुछ कर रहे होंगे तो इस पे अटैक करोगे तो कुछ पॉइंट मिल जाएगा। या तो गाइस आप ऐसा कर सकते हो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बस जस्ट अभी अपना ये लगा कर रखा हूँ सोल्जर को गैदरिंग के लिए, गैदरिंग करने से भी आपको काफ़ी पॉइंट मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे, तो स्लोली मैं गैदरिंग कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी, क्योंकि मेरा भी माइट इतना ज़्यादा नहीं है, कम ही है माइट, तो इसलिए मैं गैदरिंग कर रहा हूँ। और इसमें क्या है कि गाइस आप जैसे कि मैं, मेरा भी शील्ड लगा हुआ है तो मैं दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूँ फिलहाल अभी, या फिर मैं बाद में करूँगा, मेरा शील्ड एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद में हो सकता है कि मैं अटैक करूँ। तो यहाँ पे आप गाइस इसके ऊपर अटैक भी कर सकते हो, रिवाइवल जो किंगडम के हैं उनके ऊपर अटैक कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग जैसे यहाँ पे शील्ड नहीं लगा हुआ इनके ऊपर अटैक करके या फिर स्कोट करके इनको चेक कर सकते हो, और इनके ट्रूप्स सोल्जर्स मार से हो तो आप जल्दी जल्दी पॉइंट्स कलेक्ट कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही बताना था गाइस कि किस तरह से इसमें पॉइंट कलेक्ट करते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे 4 घंटे का कुछ टाइम दिखा रहा है, तो 1 घंटे का कुछ टाइम दिखा रहा है KVK चल रहा है, तो 2 hours 43 minutes 53 seconds में दिखा रहा है। इसके बाद ये चेंज होगा प्रोसीजर फिर से, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं आपको किस तरह से चेंज होगा। ये गाइस जो अभी टाइम ख़त्म होगा इसके बाद से क्या होगा कि रिवर्स होगा, ये इस किंगडम पे आ जाए या फिर अटैक के लिए, या फिर इस किंगडम पे आ जाए अटैक के लिए, तो जिसके ऊपर 2x रहेगा उसके ऊपर आप जाके अटैक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट कर पाओगे। तो गाइस मैं यही बता रहा था आप लोगों के लिए कि KVK आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए KVK में किंगडम क्लैश में, और अपने ग्लाइड के लिए ग्लाइड को जिताइए, अपने किंगडम को जिताइए, काफ़ी अच्छा है गेम। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ गाइस और आप लोगों का प्यार दुआ हमेशा बनाए रखना, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, थैंक यू सो मच, इससे आप मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू सो मच।